कैलकुलेट द न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको न्यूट्रॉन सेपरेशन की एनर्जी निकालनी है, जिसमें कैल्शियम 40 वाले की वैल्यू अलग है और कैल्शियम 41 की अलग है, और एक न्यूट्रॉन की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहली चीज़ देखो, हमें इसकी इक्वेशन लानी पड़ेगी। जब ये कैल्शियम ब्रेक होगा तभी हमें ये वाला कैल्शियम मिलेगा और प्लस में एक न्यूट्रॉन मिलेगा। तो हमें यही जो वैल्यू है न्यूट्रॉन सेपरेशन की, जो एनर्जी, ये निकालनी है हमें। जब भी हम ऐसी एनर्जी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन में से, सपोज़ ये R2 है और ये R1 है, इनके जो मास होते हैं उनको प्लस करके देन R2 माइनस R1 करते हैं, हमारी एनर्जी जो वो निकल जाती है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी भी गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी है, 39. इसमें हमें प्लस करनी पड़ेगी न्यूट्रॉन वाली वैल्यू और फिर उसमें से माइनस होगी 41 वाली। और उसमें से माइनस 41 लेकिन हमारे पास इसमें देखो, इसमें वैल्यू जो है, पॉइंट जो है वो 8 के यहाँ पे है। तो हम इसको 8.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देंगे।